किस काम के। आयरा आयरा जी 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 तुमने कौन देख लो भाई, तुमने जो जो सामान मंगवाया था ना सब ले आई हूँ, मैं चेक कर लेना। थैंक यू सो मच। आइए अंदर आए ना आप आंटी। नहीं नहीं भाई, मेरा बेटा सुमेर पहले इतना डरा हुआ है, वो तो कह रहा था अम्मी कोई भरोसा नहीं है, इनके घर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा ये लो, इसमें रकम भी है और जितने की चेन बिकी है ना वो रसीद भी इसी में ही है। अच्छा बात सुनो आयरा, ये जो लड़का बाहर बैठा है क्या ये यही बैठा रहेगा? जी देखो आयरा, रिश्तेदारी महतेदारी अपनी जगह है, जब तुम्हारा भाई था सर पे तब बात अलग थी, मगर ये लड़कियों का मोहल्ला है और हम लोग ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे, भेजो इसे यहाँ से। आप सही कह रही हैं, थैंक यू। यही घर है ना? हाँ यही घर है इंस्पेक्टर साहब। लो वो आ गई। मिस आयरा जी, लेकिन आपके पड़ोसियों ने आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई है कि आपकी वजह से यहाँ पर मशकूक लोगों का आना जाना है और फायरिंग भी हो चुकी है, जिसकी वजह से ये लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं और फिर पुरामन माहौल जो है नाखुशगवार हो जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे क्या कहना चाहते हैं, यही कि आप लोग जाएं यहाँ से। हाँ हाँ, ये घर ये मोहल्ला खाली करें। अरे भाई हमें भी तो अपने घर वालों की हिफाजत दरकार है, जो आप लोगों के होते हुए मुमकिन नजर नहीं आ रही। ये क्या कह रहे हैं आप लोग, ये हमारा घर है, हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे पुराने पड़ोसी होने के नाते हम आपकी मदद करेंगे, ये घर आपको हम किराए पर दे देंगे, लेकिन आप लोग यहाँ रह नहीं सकते, चले जाइए। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, क्या क्या हुआ? अरे इंस्पेक्टर साहब यही वो लड़का है। हाँ यही है। जी आपका नाम? जैद। जैद आसिफ मलिक। जी मैं जानता हूँ आपको। देखिए जैद साहब, आपके रिहायशी इलाके वालों ने कंप्लेन करी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ, और आपको पता है कि शरीफों का रिहायशी इलाका है और जो कुछ यहाँ हो रहा है ना, तो यहाँ भी शरीफ लोग ही रहते हैं। आप अंदर जाओ प्लीज। प्लीज गो इनसाइड। देखिए मैं जानता हूँ कि यहाँ आज से पहले जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हैं उसकी वजह से आप सब लोग बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा और ना ही किसी को कोई डिस्टरबेंस होगी। अरे भाई गारंटी वारंटी से काम नहीं चलेगा, आप लोग ये घर खाली करें और जाएं यहाँ। मैं बात कर रहा हूँ ना। देखिए इन लोगों के घर में अभी अभी एक मौत हुई, ये दोनों खवातीन कहाँ जाएंगी घर छोड़ के, इस बात की क्या गारंटी है? देखिए सर, आई मेक श्योर कि यहाँ पे किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और जितनी भी तकलीफ आप लोगों को उठानी पड़ी है इसके लिए आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, मसला सॉर्ट आउट हो गया। चलो पीछे हटो, चलो पीछे हटाओ उनको, लेके चलो उनको पीछे पीछे लेके जाओ। और बीवी आप लोग भी प्लीज साइड पे जाएं। ठीक है बॉस, और नेक्स्ट टाइम ख्याल कीजिएगा कि किसी किस्म की कोई बात ना हो। थैंक यू वेरी मच। पहली बार ऐसा जिंदगी में हुआ कि हमारे घर से लोग हमें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छा है कि जैद हमारे साथ है। वजह भी तो जैद है। हम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए किसी ना किसी को कसूरवान मान ही लेते हैं आयरा, लेकिन हकीकत तो वही रहती है ना, आखिर जैद हमारे साथ कब तक रहेगा? ये सफर भी कट जाएगा,
मैं और आप तो साथ है ना। आप बस उदास मत हो। खैर मैं आपके लिए कड़क सी चाय बनाती हूँ, साथ मिलके पीते हैं, अपने गम भुलाने की कोशिश करते हैं, कुछ देर के लिए ही सही। भाभी, फ्रिज बंद है क्या? नहीं नहीं फ्रिज बंद नहीं है, उसका स्विच ढीला है, कोशिश करो लग जाएगा। अच्छा छोड़ो मुझे, रब करने दो। ज्यादा तो नहीं लगी, जोर से तो नहीं लगी, छोड़ो। तुम ठीक हो ना? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? क्या हुआ? क्या है? वो स्पार्क, उसको ये भी होना था। मैं देखती हूँ किसी को। इस वक्त किसको देखोगी? पता नहीं, मैं देखती हूँ। अच्छा ध्यान से। कितनी देर हो? एक फेस चला गया था यहाँ का, अभी मैंने कर दिया, ओके हो जाएगा। सर ठीक, शुक्रिया शुक्रिया भाई। शुक्रिया जैद। नो प्रॉब्लम्स। थैंक यू। पूछोगे नहीं मैं क्यों आया? क्यों आया तू? बाबा को कह दिया मैंने कि अगर वो ना माने तो मैं मुबशरा को तलाक दे दूंगा। मान जाएंगे वो, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बस ये बताना था। चलता हूँ यार। इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ। देखें कि आज के बाद देखें मेरे बेटे ज़ैद आसिफ का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये सब क्या है आसिफ अंकल? आपका उठाया हुआ हर कदम जैद को मैं जिंदगी से दूर लेकर जा रहा है। कुछ नहीं बचेगा मेरे पास, खाली हाथ रह जाऊंगी। कभी कभी किसी को करीब लाने के लिए खुद से दूर करना पड़ता है मुबशरा। कम ऑन अंकल, अब ये क्या लॉजिक है आपकी? प्लीज मुबशरा, मैं जो भी कर रहा हूं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, और इस बार मैं जैद को मुकम्मल तौर पर तुम्हारा करके ही वापस लाऊंगा। आपको लगता है ऐसा होगा? सजा सजाए बेटा आपने उसके हवाले कर दिया अपने। सजाए नहीं है, कोरा दिया। और अगर उन दोनों की मोहब्बत सच्ची निकली तो? हालात की चक्की में मोहब्बत पिसकर राख हो जाती है, उड़ जाती है। अंकल वो दोनों पढ़े लिखे हैं, कहीं भी नौकरी कर लेंगे, हंसी खुशी मजे से जिंदगी गुजार लेंगे।
मजे से गुजारा नहीं होता, गुजारा गुजारा होता है। प्लीज बस कुछ दिन सबर कर लो। नहीं होता सबर मुझसे, नहीं है आदत मुझे सबर करने की या किसी का इंतजार करने की, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। मैं मुबशरा जाफर, पूरी दुनिया मेरी तरफ अट्रैक्ट होती है। ये जब आपका बेटा है तो मेरी नजरों में मेरी वर्थ को डाउट में डाल रहा है। जानती हो कभी कभी जिंदगी में चीजें उल्टी हो जाती हैं। ये वही फेज है तुम्हारा भी और हमारा भी, पर आई प्रॉमिस यू दिस टू शैल पास। मैम आपकी कॉफी लेगा नहीं पीनी मुझे। जाओ जाके कमरे में रख दो बच्चे, जाओ। You don't have to stress out. अच्छा ऐसा करो, जाफर की तरफ चली जाओ, अशमाला के साथ टाइम स्पेंड कर लो, इट विल डू यू गुड। अच्छा घूमने फिरने चली जाओ, शॉपिंग करो, मूवी देखो, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू। सिर्फ तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा मुबज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने मुझे नहीं पहचाना होगा, मैं आपके ऑफिस का पीयून हूँ। सर जो कुछ भी आपके साथ हुआ ऑफिस में सुना मैंने, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चल के मेरे घर पे रहें प्लीज सर। आपकी मोहब्बत और खलूस का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आऊँगा किसी दिन। किसका